हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम यहां जयपुर आए हैं जहां हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं द ऑल न्यू नेक्सॉन फ्रॉम टाटा मोटर्स। जी हां, ये गाड़ी टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इट हैज़ गॉट ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द टाइम ये गाड़ी लॉन्च हुई पहली बार। यस, मैं बात कर रही हूँ 2017 से लगातार ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुकी थी, लेकिन अब इसका एक मेजर फेसलिफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। फेसलिफ्ट में क्या क्या बदला है, व्हाट इज़ न्यू अबाउट दिस न्यू नेक्सॉन, ये मैं आपको बताती हूँ। चेंजेस हैं एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। की बात कर लें तो आप देख रहे हैं कि द सब 4 मीटर SUV बाय टाटा मोटर्स नाउ हैज अ मोर स्लीकर फ्रंट डिजाइन। लुक जो चेंजेस किए गए हैं वो LEDs में है, ग्रिल, बम्पर, ये पूरा एक नया लुक ज्यादा उसको प्रिटी बनाने की तरफ किया गया है। मोर सटल, मोर स्लीक, मोर सीमलेस, यही चीज हम पीछे भी देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रॉम द रियर हाउ द कार इज। सो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे इसमें जो नोटिस करेंगे वो है इसकी कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, दैट गिव्स अ वेरी नाइस एंड यूनिक। सो आप सबसे पहले नोटिस करते हैं दिस फ्लोटिंग 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो काफ़ी अच्छे से अर्गोनॉमिक्स वाइज एंड प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है, राइट इन द सेंटर। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अलर्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये अभी मुझे कह रहा है टू अलाइन द स्टीयरिंग व्हील एंड नाउ स्टीयरिंग व्हील इज़ अलाइंड, व्हीकल इन्फो एंड ऑल ऑफ इट। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो ये है कि आप इसकी जो स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, दिस इज़ अ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसपे दिस टाटा मोटर्स का जो लोगो है ये इल्यूमिनेटेड है। इनफैक्ट ये कंपनी का कहना है वन ऑफ द फर्स्ट है जो कंपनी ने ये दिया है। सो यू नो गिव्स यू अ गुड लुक, स्पेशली जब आप रात में इसको चलाते हैं तो ये इल्यूमिनेट होता है। और दिस इज़ वेरी मच, इफ़ यू रिमेंबर, कर्व के कॉन्सेप्ट इंटीरियर से इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी इंस्पायर्ड है। हमने तब ये देखा था ऑटो एक्सपो के वक्त और अब इस गाड़ी में हम थोड़े थोड़े उसकी झलकियाँ देख सकते हैं। वेरी फंक्शनल, वेरी स्लीक एंड सिंपल आई वुड से, जिस तरह से अब इंटीरियर्स की तरफ कंपनी ने फोकस किया है। आ जाइए यहाँ सेंटर पे, यू हैव अ 360 डिग्री कैमरा जिसको आप अगेन ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम ऑल साइड्स, जहाँ पर अगेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ योर लॉक अनलॉक, वेल बूट आप देख सकते हैं यहाँ पे, वन टच ऑफ अ बटन एंड द बूट इज़ ओपन। वेरी वेरी गुड ईजी एक्सेस टू बूट ओपनिंग आई वुड से। यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं और जिस तरह से अब ये लुक है, ये बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक दिख रहा है फ्रॉम द प्रीवियस अवतार। चार्जिंग पॉइंट्स, वेल यू हैव अ USB एंड अ टाइप सी बोथ, दैट्स गुड बिकॉज आजकल ज़्यादातर टाइप सी आता है नए फोन्स में। अदर देन दैट, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, यू हैव अ टॉगल बटन, सिटी, इको, स्पॉट, डिपेंडिंग ऑन विच ड्राइविंग मोड यू वांट टू पुट योर कार इन। स्पेस वाइज अगर हम देखें, एक्टिवेटेड, काफ़ी जगह है यहाँ पर इन द ग्लव बॉक्स। इनफैक्ट यहाँ पे दो कप होल्डर के पॉइंट से भी एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ डेप्थ है, तो आप यहाँ पर दो ग्लासेस या बॉटल छोटी रख सकते हैं। थॉटफुल एक्चुअली, वाइल देयर इज इनफ एंड मोर स्पेस, एक छोटा यहाँ ट्रे भी है वेयर यू कैन पुट सम पेपर्स एज यू कैन सी हियर। एंड डेप्थ वाइज एंड यू नो बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पर अच्छी खासी जगह दी गई है। सो स्पेस इज़ नाइस, डैशबोर्ड इज़ कम्प्लीटली रीडिजाइंड एंड लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स ऑफ कोर्स हैव बीन एडेड। चीज़ यहाँ
यहाँ पर मेंशन करनी है एक्सप्रेस कूलिंग. सो इफ़ यू वांट टू गेट दिस कार क्विकली कूल्ड अप, जैसे आप बहुत गर्मी में ये गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी में आके यू नो एसी यूजुअली टाइम लेता है टू कूल द कार, और इसमें ये एक्सप्रेस कूलिंग का एक नया इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप बस टच ऑफ अ बटन अगेन, ये आपने दबाया एक्सप्रेस कूलिंग इज ऑन. सो एक्सप्रेस कूलिंग में ये इंस्टेंटली आपकी गाड़ी को कूल कर देता है. एंड अगेन इंडिया जैसी कंट्री के लिए, स्पेशली जब आप कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा सीवियर पड़ती है, वहाँ बहुत ही हैंडी फीचर है. सो यू कैन जस्ट स्विच इन, स्विच ऑन और स्विच ऑफ. एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ, नॉर्मल कूलिंग मोड इज ऑन नाउ. इवन एसी वेंट्स अगर आप देखते हैं, ये भी काफ़ी स्लीक और एंगुलर पहले के मुकाबले कर दिए हैं. एक ही लाइन में इसको नीट लुक देने की कोशिश की है. ओवरऑल डैशबोर्ड में बहुत इंसर्ट्स नहीं है. दिस फ्लोटिंग स्क्रीन लुक्स गुड. सेंटर कंसोल इज सिंपल, मिनिमल बटन्स, सब टच स्क्रीन पर अब शिफ्ट हो. जयपुर में इसे चलाने से एक फ़ायदा ज़रूर है, यू गेट अ कंप्लीट सेंस ऑफ हाउ दिस कार ड्राइव्स इन सिटी ड्राइविंग कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कहीं से भी कभी भी आ जाता है, लॉट ऑफ टू व्हीलर्स, तो उस बीच ये गाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस है वो हमें समझ में आती है. वेल, अगर हम पावर ट्रेन की बात करें तो सेम पावर ट्रेन एज़ बिफोर, 1.2 लीटर आपको यहाँ पर पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन. ऑफकोर्स वो पेयरिंग डिपेंडिंग ऑन विच ट्रांसमिशन यू आर गोइंग फॉर यहाँ पर चेंज होती है, बट ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स आर डिसेंट फॉर अ कार विच इज़ मोर मेंट फॉर सिटी ड्राइविंग कंडीशंस. ऑफ कोर्स तीन डिफरेंट मोड्स हैं, सिटी, इको, स्पॉट, इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग आप कौन से मोड में इसको चलाना चाहते हैं. इको ऑब्वियसली इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट, सिटी मोड ऑफ सिटी ड्राइविंग जिसमें मैं इस वक्त चला रही हूँ, एंड स्पॉट मोड जब आपको थोड़ा सा इसमें एक्सेलरेशन और थोड़ा फन ड्राइविंग करनी हो. गाड़ी की बुकिंग शुरू हो चुकी है 4th of September से, इसका लॉन्च है 14 September को, और अगर प्राइस की बात करें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको बिटवीन 8 to 12 lakhs. वेल, दैट्स द रेंज दैट दिस कार विल कम अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स. नाउ वेरिएंट्स की बात करें तो बताना ज़रूरी है, कंपनी ने फाइनली जो उनका नॉमनक्लेचर होता था एक्स, एक्सी, एक्सएम, एक्सजेड, इसको सबको ख़त्म करके कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स के साथ अब इस गाड़ी के वेरियंट्स बनाए हैं. वेल, यू टॉक अबाउट बींग प्योर, स्मार्ट, क्रिएटिव, फियरलेस, इन चार डिफरेंट वेरियंट्स में डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पर्सनैलिटी इज आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द वेरियंट इसमें उसका कलर कॉम्बिनेशन, द वे द कार इज, वो ध्यान में रखा है. सो वेरी पर्सनलाइज टच आप कह सकते हैं इस गाड़ी को देने की कोशिश की है विद अ न्यू सेट ऑफ नेम्स विच इज़ नाइस. नाउ ओवरऑल अगर आप देखें इस गाड़ी को आपको कंसिडर करना चाहिए नहीं, मैं बता दूँ दैट कॉम्पिटिशन इज ऑब्वियसली वेरी इंटेंस. ये सेगमेंट जो कि सब 4 meter SUV स्पेस है या प्राइसिंग वाइज 8 से 12 lakh का है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड सम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड वंस आर देयर एज वेल. बट क्लियरली नेक्सॉन ने जब लॉन्च हुई थी 5-6 साल पहले, तब से लेके अब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन डेफिनेटली बनाई है, क्योंकि ये करीब करीब 12 से 15 हज़ार यूनिट्स एवरी मंथ इसका बेचती है. सो क्लियरली इट्स अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. नाउ कॉम्पिटिशन में मैंने बताया जैसे आपको ब्रेजा, फ्रॉन्ग्स, XUV300, यू हैव किया सोनेट, ह्यूंडई वेन्यू, ये कुछ गाड़ियाँ हैं जिनसे कम्पीट करती है, और ये सेगमेंट आप जानते हैं कि ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है. सो क्लियरली दिस विल हैव अ गुड ट्रैक्शन, गुड सेल्स नंबर्स. कंपनी को उम्मीद है कि जो नंबर्स ये ऑलरेडी करते हैं उससे बेहतर और आगे कर पाएंगे विद द न्यू फेसलिफ्ट नेक्सॉन. ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, जो चेंजेस किए गए हैं चाहे वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो डेफिनेटली वेलकम है, क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम्स यू नीड टू अपडेट द कार, मेक इट लुक नाइसर एंड मोर फीचर पैक्ड.